आगरा बियॉन्ड ताज, ताज के अलावा आप आगरा में क्या देख सकते हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम शोइंग यू गाइस। हेलो नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी। दिस इज हिमानी एंड अगेन आई एम इन द न्यू लोकेशन। सो यस आई एम इन आगरा एंड आगरा आप लोगों के भी किसी के भी दिमाग में आता है सबसे पहले ताज आता है नाम, बट मैं आपको इस वीडियो में आगरा में ताज के अलावा आगरा बियॉन्ड ताज क्या क्या है आगरा में देखने के लिए वो बताने वाली हूँ। लेट्स बिगिन। राइट नाउ वी आर इन सिकंदरा, जिस एरिया में ये है उसका नाम है सिकंदरा, वैसे इसका रियल नेम है अकबर्स टोम। तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं, तो ये एक ऐसा टोम है जो कि अकबर की प्रेजेंस में इसको बनाने का सोचा और उनकी प्रेजेंस में ये बनना शुरू हो गया था। 1605 में इसे बनाना शुरू किया था और 1613 में ये बन के कम्प्लीट हो गया था। तो इसे कंप्लीट करवाया था अकबर के बेटे जहांगीर ने। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये एंट्री गेट है और सबसे पहले जहां से एंट्री होती है वहां पर एक छोटा सा गेट देखा होगा आपने, वो गेट जो है एक छोटा सा गेट भी बनाया गया। अब लोग सोचते हैं कि छोटा गेट क्यों बनाया गया, इतना बड़ा यहाँ पर ह्यूज एंट्रेंस है उसके साथ ये छोटा गेट क्यों बनाया गया, तो वो इसलिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है, स्टोरी टेल्स, कि अकबर की जो हाइट है वो थोड़ी छोटी थी और उस वजह से जो है लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। अभी कितनी सच है कितनी नहीं नहीं पता मुझे, बट ऐसी स्टोरी कही जाती है कि उनका मजाक उड़ाया जाता था। तो उन्होंने क्या किया कि एक छोटा गेट बनाया जिसकी वजह से जो भी बड़े राजा महाराजा बाहर के जो आते थे उनको थोड़ा झुक के अंदर आना पड़े, एंड दैट्स द स्टोरी बिहाइंड दैट स्मॉल गेट। ओके हाँ बहुत मजा आ रहा है। ओह शिट, आ रही ना बस। हाँ सी, इसे अकबर का टेलीफोन कहा जाता था। यू नो आपने सुना होगा दीवारों के भी कान होते हैं, एग्जैक्टली दिस, ये कहीं ऐसी कहीं से भी नहीं आया है। मैंने आपको बताया था कि मैं इस बार दो क्रिएटर्स के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, तो वन ऑफ देम आप साहिल को जानते ही हो, शी इज निहारिका, एंड शी इज हर इंस्टा हैंडल एंड यूट्यूब चैनल इफी एक्सप्लोरर, यप, एंड शी मेक्स रियली अमेजिंग कंटेंट गाइस, सो डू चेक आउट हर चैनल। ऑल्सो कैसा लग रहा है लाइक आगरा घूमते हुए? आगरा भी यार, मेरे पापा का फोन आया था अभी, मेरे पापा पूछे तुम ताजमहल ले गए? मैंने कहा नहीं, ये पॉइंट ही हमारा यहाँ आने का ये है कि हम ताजमहल के अलावा और कहाँ कहाँ जा रहे हैं। एग्जैक्टली। सो गाइस अभी हम कांच महल में हैं। आ गए हैं लाल ताज में और इसके पीछे, इस वाले मकबरे के पीछे ये कहानी है कि एक डच जो है वो इंडिया आए थे सिपाही के तौर पे और उनके देहांत के बाद, उनकी मृत्यु के बाद जो है उनकी वाइफ ने उनके लिए ये मकबरा बनाया और ये काफ़ी सुंदर है। पुष्पक मिष्ठान भंडार विच इज इन आगरा, तो हम यहाँ पर है एंड वी हैड देसी घी के समोसे और अभी मैं खाने वाली हूँ दिस पनीर पकौड़ा। एवरीबडी इज हैविंग अपनी टीका टिप्पणियाँ, कैसा लग रहा है? आई डोंट एंजॉय समोसा बट दैट वॉज वेरी नाइस एंड ये भी बहुत डिफरेंट है। वट अबाउट यू, तुम्हें तो चटनी इतनी पसंद आ रही है? चटनी इतनी अमेजिंग है, मोर देन समोसा आई एम जस्ट देसी। We have some. None. कौन सी सोन पापड़ी है ये?
सुन पब्लिक, दिस इज द रियल डील, ये जो फ्रेश देसी घी में बनाई जाती है. ओके, दिस इज नॉट द ड्राई वन यू गेट एट हल्दीराम, जो बेचारी लावारिसों की तरह दिवाली पे पटती है एक घर से दूसरे घर, और कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता, कोई नहीं लेना चाहता. ओके ओके एवरीबॉडी, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर लंच. सो इट्स 4:30 एंड आगरा का जो तापमान है वो ठीक है, अच्छा है, मतलब इतनी ठंड नहीं है, दिल्ली जैसी ठंड तो नहीं है. गर्मी तो बता दो कितनी है. गर्मी ऐसे लग रही है क्योंकि मैंने गलती करी है ये पहनने में, कपड़े पहनने में गलती कर दी है कि मैंने अंदर एक को थर्मल भी पहन लिया और फिर उसके बाद ये लेयरिंग के लिए ये भी डाल लिया है और उसके ऊपर ये पहना हुआ है, तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, मतलब समझ सकते हो. भीषण गर्म लगती है. Okay guys, so this is the dining space of Eka Villa. So we, if this property is pet friendly, so you can take your pet along with you here and koi problem nahi hogi because this property is pet friendly. Palak dal, there's raita, rice, mixed veg, rice, paneer. Aur ye pickles hain, sare homemade pickles jo humne kal bhi taste kiye the, but आज कुछ डिफरेंट. कल मैंने मिर्च वाला खाया था एंड दिस वन आई हैड. तो या अभी हम लंच करते हैं, काफ़ी ज़ोर से भूख लगी है, मतलब एक मिनट भी नहीं रुका जा रहा. ओके एवरीबॉडी, तो एज आई टोल्ड यू कि मैं एका विला में रुकी हुई हूँ आगरा में, तो आई एम गोइंग टू शो यू माय होम हियर. एवरीबॉडी, तो आगरा बियॉन्ड ताज, इसको आगे बढ़ाते हुए वी हैव रीच्ड टू अनदर डेस्टिनेशन जिसे कि बेबी ताज भी कहा जाता है और इसे ज्वेल बॉक्स भी कहा जाता है. जगह के बारे में कुछ बताइए. आप यहाँ से अपस्ट्रीम जाएंगी तो दिल्ली पड़ेगा. अच्छा. आप यहाँ से डाउनस्ट्रीम जाएंगी तो ताजमहल पड़ेगा. ओके, पर ले जाएगा कौन मुझे. वेरी मैग्निफिसेंट, वेरी ब्यूटीफुल मोनूमेंट और बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक दिल को ऐसे सुकून सा और बहुत ही अच्छा सा लग रहा है. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. और आप सोच रहे होंगे कि हमारे साथ जो एक और जन अभी जुड़ गए हैं वो कौन है, तो ही इज़ ताहिर. तो ये है आगरा से ही, ये हेरिटेज वॉक करवाते हैं एंड ही इज़ एक्सपर्ट इन डू इट, लाइक यहीं से है तो ही नोज वेरी क्लोज आगरा वेरी क्लोजली. आज वो हमें आगरा की कुछ ऐसी जगहें, गली और हमें और भी अंदर वहाँ लेकर जाने वाले हैं, गलियों में ओल्ड सिटी घुमाने वाले हैं. सो ही विल बी विद अस एंड मौसम जैसे कि हमारे तरफ बिल्कुल भी मेहरबान नहीं है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि हम उसका पूरा का पूरा सदुपयोग करें और अच्छे से घूमें. आगरा जो है वो एक नहीं है, आगरा तीन है. एक तो वो आगरा है जो अकबराबाद, जो कि अकबर ने बसाया, अकबर के नाम पर बसा. आगरा है जो मॉडर्न सिटी बसा है, वो इनको सबको अंदर करते हुए एक बड़ा शहर बस गया आगरा का, जिसमें कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो कॉलोनियल मास्टर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जो बसाया. जैसे कि आगरा कैंट हो गया, कैंटोनमेंट का आगरा, मॉल रोड हो गई हमारी, बहुत सारे खूबसूरत चर्चेज वगैरह हो गए, वो एक अलग आगरा है. ठीक. और अब जो आगरा बस रहा है वो इन सब के इर्द गिर्द सारी पॉपुलेशन मिलती जा रही है, बड़ा सा सर्कल बनता जा रहा है, ये वो आगरा है. अब जैसे नए एरियाज हैं, कमला नगर है, दयाल बाग है, तो आगरा में बहुत मजेदार चीजें हैं. यहाँ से हम बाहर आ चुके हैं, अब हम यहाँ से निकलेंगे मेहताब बाग की तरफ, जो कि ताज के एकदम ताज को फेस करता हुआ एक बाग है और यमुना रिवर भी साथ में उधर बहती है पीछे, तो उसी तरफ एक मेहताब बाग है, काफी फेमस बाग है, टूरिस्ट मोस्टली वहाँ जाया करते हैं, बट हम वहाँ जा रहे हैं एक व्यू के लिए. देखते हैं अब वो व्यू हमें अच्छा मिल पाता है कि नहीं, सुबह तो हम इसमें फेल हो गए थे. हम आ गए मेहताब बाग के अंदर. थोड़ी सी भसड़ी हो गई कि हमें हमारा कैमरा नहीं लाने दिया गया है क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है. और आगरा जिस चीज़ के लिए लोग आते हैं वो हम फाइनली उसके दर्शन हमें आज हो रहे हैं. वैसे हमने दूर दूर से तो बहुत जगह से देखा. हम बेसिकली इसके अंदर नहीं जाने वाले हैं.
2 hours later. So हम आ गए हैं old city में आगरा की and right now we are in the old city. यहाँ पर सारी दुकानें और यह मार्केट है और इसके पीछे जस्ट पीछे राइट राइट बिहाइंड दिस मॉल देर इज आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन जो कि ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था. तो इट्स वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल साइट यू कैन से. तो लेट्स गो, हम वही जा रहे हैं अभी. अबे हम अभी जा रहे हैं इस फोटो करेसी को. आ गए हैं आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन के अंदर. इट्स नॉट ओल्डेस्ट लार्ज रेलवे स्टेशन बिल्ट बाय द ब्रिटिश. दिस इज 1870. ओके 1870. या ओके. तो यहां पे अभी ट्रेन चलती है. हां प्रॉपर. कहां मतलब मेन स्टेशन ये नहीं है ना पर आगरा का. आगरा में तीन बड़े स्टेशन है, आगरा फोर्ट, हां आगरा कैंट, हाँ एंड हाँ ये दो बड़े स्टेशन है आगरा के. राजस्थान की ये लाइन है. ओके यहाँ से सारी राजस्थानी की ट्रेनें चलती हैं. वेरी गुड जॉब कि मैंने ये डाउन जैकेट पहन ली क्योंकि इट्स सुपर कोल्ड. लाइक लिटरली ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों पे आ गए. तो बेटर आई शुड कवर माई सेल्फ क्योंकि वायरस तो फैला ही हुआ है, साथ में ठंड ना लग जाए और ठंड की वजह से भी बुखार उखार आ सकता है. लेट मी टेल यू क्या क्या है हमारी पत्तल की दावत में. तो मशरूम मटर एंड वी हैव पनीर मेथी, मेथी पनीर, दाल एंड दिस इज भथुआ रायता, पापड़, रागी की रोटी जो कि मैं घर पे भी यही खाना प्रेफर करती हूँ. गाइस नो सो यप फुलफिलिंग मी लाइक कांट वेट टू हैव क्योंकि सारा कुछ काफ़ी यम लग रहा है. Good morning, 7:15 in the morning. जल्दी उठ गए थे और set ready ready होके we all are leaving. तो guys हम आ गए हैं अपनी मंजिल स्टेशन जहाँ से हमें जो है ताज तो दिखेगा पर इन अ डिफरेंट एंगल, फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल. और ठंड थोड़ी ज़्यादा है और ये जगह जो है ये सबको नहीं पता होती है. जो लोग घूमने के शौकीन, एक्सप्लोर करने के शौकीन हो, जिनको लगता है कि यस जाकर कुछ अलग जगह से कुछ एक्सपीरियंस करना है, आगरा बियॉन्ड ताज, दिस इज़ व्हाट आई एम लाइक शोइंग यू गाइस. सूर्य देवता को थोड़ा सा मनाया जा रहा है, ऐसे मतलब प्रे कर रही हूँ कि प्लीज़ जल्दी से आ जाओ ताकि हमें वो व्यू देखने मिल जाए जो हम देखने के लिए आए हैं. तो अभी हम लोग ताज की एक सीक्रेट व्यूइंग स्पॉट पे हैं एंड वी आर हियर विद सम अमेजिंग पीपल हु डू अ ग्रेट जॉब एट व्हाट दे डू. वी हैव हिमानी, निहारिका एंड साहिल विद अस. दे हैव बीन कवरिंग सम अमेजिंग पार्ट्स ऑफ द सिटी फॉर द पास्ट फ्यू डेज एंड फॉलो देम, सब्सक्राइब देम. देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो क्या बताते हैं आगरा के बारे में. थैंक यू. ओके एवरीबॉडी, तो आज का कल से तो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहा. हमें वो ज़रूर इफेक्ट नहीं मिला बट स्टिल वी गॉट सम नाइस शॉट्स जो कि आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, रील्स एंड पिक्चर्स. सो डू फॉलो मी राइट देयर. माय इंस्टा हैंडल इज़ वांडरलस अंडरस्कोर हिमानी. निकल रहे हैं हम फाइनली आगरा से वापस. तो आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग हियर गाइज. वी आर हैविंग नाश्ते में बेड़ई. तो आज हम कहीं और किसी और जगह का ट्राई कर रहे हैं. दिस इज ब्रिज, ब्रिज मोहन मिष्ठान भंडार. देख रहे हो ये होता है, ये होता है इंस्टाग्राम पे. जाओ इंस्टाग्राम पे देखो फोटोज. ठंड के मारे हमारी बहुत है बाबा, बहुत है सब. ठंड बहुत है, ठंड बहुत है रे भाई. मी इंट्रोड्यूस समवन. एक मिनट यार, अपने माँ एकदम ऑल ऑफ अ सडन. लेकिन टाइम से रिकॉर्ड कर रहा है. अरे यार, अरे चुप कर यार.